क्या आप सब लोग पपाया खाते हैं? और अगर नहीं खाते तो प्लीज आज इसे खाना शुरू कर दीजिए मेरे कहने से, क्योंकि पपाया के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर आप अपनी स्किन को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं, अपने बालों को अच्छा बनाए रखते हैं, तो पपीते का खाना आज से ही शुरू कर दीजिए। ओके। सो कल मैं पपाया खा रही थी और खाते खाते मेरे माइंड में आया कि अरे इसको मैं खा तो रही हूँ, इसको अंदर से मुझे इसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं, पर मैं क्यों ना कुछ ऐसा करूँ जिससे मुझे इसके बाहर से भी बेनिफिट्स मिले। तो खाते खाते मेरे माइंड में आया कि चलो इसका कुछ DIY बनाते हैं और लगाते हैं। तो वो वैसे भी थोड़ा ज़्यादा ही पक गया था वो पपीता, तो मैंने उसको रख दिया। एंड फिर नेक्स्ट डे मैंने उसका क्या किया, चलिए मैं आपको वीडियो में आगे दिखाती हूँ। ओके। सो वेलकम टू माई चैनल गाइज, मैं हूँ गीता एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक जबरदस्त स्किन केयर वीडियो, आपके स्किन के लिए, आपके फेस के लिए। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत अच्छा पपाया फ्रूट फेशियल, जो आपकी स्किन में ग्लो ऐड करेगा, आपकी स्किन को रेडिएंट बनाएगा। कभी कभी जब हमारी स्किन डल हो जाती है ना, बेजान सी हो जाती है, तो हम सोचते हैं क्या करें, अपने स्किन पे क्या लगाएं। तो उस केस में हम पार्लर जाते हैं कि चलो कुछ फेशियल करवाई आते हैं, उससे स्किन थोड़ा अच्छी हो जाएगी। तो पार्लर क्यों जाना है, घर में ही करिए ना आप अपना फेशियल, घर में कीजिए। देखो फ्रूट्स वगैरह हमारे सबके घरों में आते रहते हैं, तो जब भी आपके घर में पपाया आए तो पपाया खाइए, एंजॉय कीजिए, और थोड़ा सा बस बचा के रख लीजिए उसको अपना फेशियल करने के लिए। और फिर देखिए उसका फेशियल कीजिए और देखिए उसके जबरदस्त फायदे, उसके गजब के फायदे, उसके अमेजिंग बेनिफिट्स जो आपकी स्किन को मिलते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी है। क्या आप बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं? अगर आपको बॉलीवुड लवर हैं सॉन्ग्स वगैरह के, मूवीज़ वगैरह के, तो प्लीज़ आप मेरे इंस्टा हैंडल पर जाकर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ बॉलीवुड सॉन्ग्स के ऊपर। बेसिकली आई एम अ पैशनेट सिंगर, तो मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। तो आप वहाँ जाके मेरे सॉन्ग्स, मेरे वीडियोस ज़रूर देखिए। ओके। तो यहाँ पर मैं जो आपको बताने वाली हूँ पपाया फ्रूट फेशियल, ये बहुत ही सिंपल फेशियल है। ये 4 स्टेप्स में हम लोग करने वाले हैं और चारों स्टेप्स बहुत ईजी हैं। इनको चारों को जो बनाना बहुत आसान है और इनको अप्लाई करना भी बहुत आसान है। तो चलते हैं प्रोसेस में। और सबसे पहले हम देखते हैं ना, हम सबसे पहले हमारा स्टेप आता है क्लींजिंग, हम अपने फेस की क्लींजिंग करनी है, तो उसके लिए हम बनाएंगे क्लींजर। तो सबसे पहले तो ये जो मेरा पपाया कल का बचा हुआ था, इसको मैं ये ब्लेंडर में ले लूँगी। वैसे तो ये पका हुआ है काफ़ी ज़्यादा, इसको मैं एक ब्लेंडर में ले लूँगी और उसको अच्छे से और ज़्यादा पीस लूँगी, जिससे ये बहुत ज़्यादा फाइन, जो प्यूरी जैसा बन जाए। तो ये देख लिए मैंने इसको पीस लिया और ये प्यूरी जैसा बन गया। अब मैं इसको आगे फर्दर जो स्टेप्स होंगे उनमें यूज़ करूँगी। तो क्लींजर बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले 1 चम्मच ये प्यूरी लूँगी पपाया की, और इसमें मैं ऐड करूँगी रॉ मिल्क, 1 चम्मच के करीब रॉ मिल्क ऐड करूँगी, और इनको लेकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए हमारा बनकर रेडी हो गया है क्लींजर, बहुत अच्छा और बहुत ही मैजिकल, बहुत अच्छे से हमारी स्किन को क्लीन कर देगा और बिना कोई पैसे भी नहीं खर्च हुए हमारे। ओके। तो चलिए अब हम इस क्लींजर को लगाते हैं। तो सबसे पहले, लगाने से पहले अपना फेस को आप अच्छे से वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद इसको लगाना है। गाइज, इसमें पपीते में इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारी स्किन के लिए। इसके अंदर एंजाइम होता है पपाइन। क्या आपको मालूम है कि पपाइन क्या करता है हमारी स्किन के लिए? पपाइन हमारी स्किन में कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है हमारी स्किन में नई नई सेल्स बनती हैं। पुरानी वाली रिटायर होती रहती हैं और नई नई सेल्स बनती हैं। जब नई सेल्स बनने लगती हैं हमारी स्किन में, तो हमारी स्किन रिजुविनेट होने लगती है, हमारी स्किन फ्रेश बनने लगती है, हमारी स्किन जो है वो ग्लो होने लगती है, हमारी स्किन में जो चमक बढ़ने लगती है, रेडिएंट बनने लगती है। साथ ही साथ हमने इसमें कच्चा दूध ऐड किया है। गाइस, कच्चा दूध के आप बारे में आपने बहुत सुना होगा, मैंने भी कई बार अपने वीडियोस में शेयर किया है। कच्चा दूध से बढ़कर तो कोई क्लींजर हो ही नहीं सकता। इसके अंदर बहुत सारी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा टोनर भी है, बहुत अच्छे से हमारी स्किन को टोन करता है, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाता है एंड हमारी स्किन को फर्म बनाता है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे, और अब 2 मिनट के बाद जब हम देखेंगे अपनी स्किन पे, इसको हम धीरे धीरे अपने हाथों से सर्कुलर मोशन में थोड़ा थोड़ा मसाज करेंगे और उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लेंगे।
तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्क्रबिंग। तो चलते हैं, अब बनाते हैं हम अपने लिए स्क्रब। स्क्रब बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 चम्मच के करीब ये पपाया की प्यूरी लेंगे और इसमें अब हम ऐड करेंगे गेहूं का आटा। जी हाँ, गेहूं का आटा हमारी स्किन को बहुत अच्छे से स्क्रब कर देता है। गेहूं के आटे के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। एंड इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पिंच ऑफ टर्मरिक, जी हाँ, कस्तूरी हल्दी। हल्दी के इतने सारे बेनिफिट्स हैं आपकी स्किन को। हल्दी बहुत अच्छे से क्लीन कर देती है, आपकी स्किन के सारे दाग धब्बे गायब कर देती है। एंड हल्दी के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा से 1 चम्मच के करीब दही। जी हाँ, योगर्ट। योगर्ट हमारे घरों में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ये देखिए हमारा ये बहुत अच्छा सा नेचुरल स्क्रब बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब करते हैं हम स्क्रबिंग। इसे अपने फेस पे लगाते हैं। तो इसको हमें अपने फेस पर धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में लगाना है और इसको अपने हाथों से धीरे धीरे मसाज करना है, जिससे अपने फेस पे स्क्रब करना है अच्छे से। जैसे जनरली हम स्क्रबिंग करते हैं अपने फेस की, ऐसे ही करना है। इसमें हमने गेहूं का आटा ऐड किया है गाइस। गेहूं के आटे के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। हमारी बॉडी से सारी टॉक्सिन्स को भी एलिमिनेट करता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और जब हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है तो हमारी स्किन भी अच्छी रहती है। गेहूं के आटे के अंदर सेलेनियम होता है जो हर तरह के इन्फेक्शन से फाइट करता है। साथ ही इसके अंदर जिंक होता है जो हमारी स्किन में एक्ने को कंट्रोल करता है, ऑयली स्किन को कंट्रोल करता है, बेसिकली हमारी स्किन की हीलिंग करता है। एंड साथ ही साथ इसके अंदर मैग्नीशियम होता है जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखता है। साथ ही साथ इसके अंदर हमने दही ऐड किया है। दही गाइस हमारी स्किन में एक स्किन ब्राइटनिंग एजेंट की तरह काम करता है, हमारी स्किन की टोन को ब्राइटन बनाता है। हमारी स्किन में किसी भी तरह तरह के दाग धब्बे हैं उनको ख़त्म करता है, हमारी स्किन की टोन को इवन बनाता है, ओवरऑल अपीयरेंस को ब्राइटर बनाता है। साथ इसके अंदर जो करक्यूमिन होता है वो हमारी स्किन के कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और हमारी स्किन को यंगर बनाता है, यूथफुल बनाता है। इसके साथ साथ हमने इसमें ऐड किया है दही। दही के गाइस क्या कितने बेनिफिट्स मैं बताऊँ आपकी स्किन के लिए। आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। दही के अंदर गाइस लैक्टिक एसिड होता है जो एक नेचुरल स्किन एक्सफोलिएंट की तरह काम करता है, आपकी स्किन से सारी डेड स्किन और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देता है, आपकी स्किन को ज़्यादा यंग और यूथफुल बनाता है, आपकी स्किन की जो अपीयरेंस है वो ज़्यादा ब्राइटन बनाता है, सारे दाग धब्बों को भी ख़त्म करता है। सो 2 मिनट अच्छे से स्क्रबिंग करने के बाद, मसाज करने के बाद हम इसे 2 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे, जिससे जो भी इसके इंग्रेडिएंट है वो सारे हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, उनकी डब हो जाए। और 2 मिनट के बाद हम अपने फेस को वॉश कर लेंगे। एंड नाउ वी विल मूव ऑन द स्टेप नंबर 3। तो ये नंबर 3 स्टेप में हम बनाएंगे अपनी स्किन के लिए एक बहुत अच्छा स्किन क्रीम। तो ये स्किन क्रीम हम, ये मसाजिंग क्रीम कैसे बनाएंगे। हम सबसे पहले 1 चम्मच ये पपाया की प्यूरी लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच हनी। तो इन दोनों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये देखिए ये हमारी बनकर तैयार हो गई है फेस मसाज क्रीम। हनी के गाइस बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसमें, पपाया के तो हैं ही हैं, साथ ही साथ हनी की भी गुडनेस है इसके अंदर। तो चलिए इसको लगाते हैं। अब इसको लगाएंगे अपने फेस पर। इसको जैसे हम क्रीम से या मॉइस्चराइजर से अपने फेस पर मसाज करते हैं, उसी तरह से इसे अपने फेस पर लगाना है और अच्छे से धीरे धीरे अपने फेस की मसाज करनी है। इसके अंदर हमने हनी का यूज़ किया है। हनी गाइस हमारी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, हमारी स्किन की डीपर लेयर्स तक को अच्छे से क्लीन करता है। ये एक बहुत अच्छा नेचुरल एक्सफोलिएंट भी है जो हमारी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करता है। ये एक बहुत अच्छा इफेक्टिव पोर क्लींजर है जो हमारी पोर्स में सारी जो डर्ट इम्प्योरिटीज छिपी हैं उनको निकाल के क्लीन कर देता है। जो भी सारे साइंस ऑफ एजिंग होते हैं, फाइन लाइन्स हैं, रिंकल्स हैं, उनको भी कम करता है। बहुत अच्छा एंटी एजिंग एजेंट की तरह काम करता है। एंड हमारी स्किन में किसी भी तरह के दाग धब्बे या हाइपर पिगमेंटेशन है उनको भी लाइटन करता है। एंड इसके साथ साथ हमारी स्किन में अगर किसी भी तरह के ब्रेकआउट्स हैं, एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, उनको भी ठीक करता है या फिर उनको प्रिवेंट करता है। तो ये 2 मिनट तक मसाज करने के बाद हमें अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। अब चलेंगे हम स्टेप नंबर 4 पर। तो नंबर 4 स्टेप में हम बनाएंगे अपने फेस के लिए एक फेस मास्क।
और ये मास्क कैसे बनाना है देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक चम्मच प्यूरी लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे बेसन। जी हाँ गाइस, बेसन हमारी स्किन के लिए एक बहुत अच्छा एक्सफोलिएंट है, एक नेचुरल एक्सफोलिएंट है जो हमारे सबके घरों में अवेलेबल होता है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अ पिंच ऑफ टर्मरिक। जी हाँ, हल्दी के बेनिफिट्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। हल्दी हमारी स्किन में ग्लो ऐड करता है, हमारी स्किन को ब्राइटन अप बनाता है, हमारी स्किन के दाग धब्बे ख़त्म करता है। एंड इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधे से एक चम्मच के करीब योगर्ट, दही। और दही गाइस हमारी स्किन को अच्छे से क्लीन करता है, हमारी स्किन में ग्लो ऐड करता है, हमारी स्किन को यूथफुल बनाता है। और इन सब चीज़ों को लेकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक पैक लाइक कंसिस्टेंसी जैसा हम इसको बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं अब हम इसे लगाना कैसे। तो इसको हम लगाएंगे अपने फेस पर। देखिए इस तरह से आपको ब्रश की हेल्प से एक लगा, या फिर फिंगर से या हाथ से या ब्रश से, आप कैसे भी लगा सकते हैं, इस तरह से आपको लगा लेना है। हमने बेसन ऐड किया है, बेसन के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बेसन के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे ओलिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे वाइटामिन होते हैं, जैसे राइबोफ्लेविन, नियासिन, फोलेट एंड बीटा कैरोटीन। बेसन के अंदर जिंक होता है जो हमारी स्किन में किसी भी तरह के इन्फेक्शन को, इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है, हमारी स्किन में एक्ने पिंपल्स हैं उनसे फाइट करता है, जो भी ब्रेकआउट्स हैं हमारी स्किन में उनको ठीक करता है। आपकी स्किन में अगर टैनिंग हो गया, टैनिंग को भी रिमूव करता है, आपकी स्किन की टोन को जो इम्प्रूव करता है, बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर की तरह एक्ट करता है। जब हम इसको रॉ मिल्क के साथ यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है, ड्राई स्किन के लिए बेसिकली बहुत अच्छा है। हमारी स्किन में ऑयलीनेस को ख़त्म करता है, जो भी अगर हम इस हमारी स्किन में एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, सीबम प्रोडक्शन हो रहा है, उसको भी कंट्रोल करता है। एंड जब ऑयल एंड सीबम प्रोडक्शन हमारा कंट्रोल में रहता है तो हमारी स्किन में ब्रेकआउट्स नहीं होते, या होते हैं तो कम होते हैं, एंड उनको हील करता है। सो ये मास्क लगाने के बाद हमें 5 से 7 मिनट तक के लिए छोड़ देना है और इसके बाद हमें अपने फेस को वॉश कर लेना है। तो ये देखिए हो गया मेरा फेस वॉश, और फेस वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं स्किन पे डिफरेंस कितना है गाइस। इसमें हमने पपीता तो यूज़ किया ही किया है, जो हमारी स्किन में ग्लो ऐड करता है, हमारी स्किन को ब्राइटन बनाता है, हमारी स्किन की टोन को लाइटन अप करता है। साथ ही साथ इसके अंदर हमने ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं जो बहुत ही इजीली आपके घर में अवेलेबल होते हैं, और उनके जो फ़ायदे हैं उनके बेनिफिट्स अमेजिंग है गाइस। जैसे बेसन हो गया, जैसे हल्दी हो गया, दही हो गया, गेहूं का आटा, ये सारी चीज़ें नेचुरली हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देती हैं, हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करती हैं। बट कई बार वही है कि हमें पता ही नहीं होता, या फिर पता होता तो हमारे पास टाइम नहीं होता करने का। तो इस फेशियल को आप ज़रूर कीजिए, एटलीस्ट 10 दिन में इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। 10 दिन में पॉसिबल नहीं तो एटलीस्ट मंथ में इसको एक बार ट्राई कीजिए, और इसके बेनिफिट्स गाइस अमेजिंग हैं। आपकी स्किन की कंडीशन को इम्प्रूव करता है, आपकी स्किन जो डल एंड डैमेज हो गई है ना, आपकी स्किन में जान डाल देता है ये फेशियल। मेरा तो अभी पपीता और बच रहा है, उससे भी मैं शायद एक आध बार और लगाने वाली हूँ। तो ये देखिए, तो बस ये था आज का मेरा पपाया फ्रूट फेशियल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज स्माइल, बिकॉज स्माइल इज़ अ फ्री थेरेपी। ओके, एंड हाँ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सो बाय बाय।